कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा। लेकिन यहां पे जब भी प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, माल्टोज को ये लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, माल्टोज को ये कन्वर्ट करते हैं अस्टार्च में, माल्टोज को किसमें कन्वर्ट करते हैं अस्टार्च में, है ना। तो यहां पे अच्छे से समझ लें कि हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस कितने प्रकार के होंगे, तो दो प्रकार के होंगे, प्राइमरी फोटोसिंथेसिस यानी प्राथमिक प्रकाश संश्लेषण, और दूसरा है सेकेंडरी फोटोसिंथेसिस यानी द्वितीयक प्रकाश संश्लेषण। प्राथमिक प्रकाश संश्लेषण किसके अंदर होगा, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर होगा, और दूसरा सेकेंडरी प्रोसेस में क्या होगा कि अब्सेंस ऑफ सनलाइट, इसके लिए सनलाइट की आवश्यकता नहीं होगी। प्राइमरी जो प्रकाश संश्लेषण होगा उसके अंदर क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, जबकि सेकेंडरी के अंदर क्या होगा, जो पहले से जो माल्टोज के रूप में भोजन संचित है उसको अस्टार्च के रूप में रख लिया जाए, अस्टार्च के रूप में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है। और यहीं पे एक प्रश्न पूछा गया है कि पौधे अपना भोजन किस रूप में रखते हैं, किस रूप में संचित रखते हैं। ये प्रश्न है मित्रों कि पौधे अपना भोजन किस रूप में संचित रखते हैं, तो उसका जवाब यही है मित्रों कि पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में संचित रखते हैं, और इसी का वह उपयोग क्या करते हैं, वृद्धि के लिए करते हैं, विकास के लिए करते हैं, जब उनका कोई पार्ट्स कट जाता है तो उसको रिपेयर के लिए करते हैं, शेष भोजन को वो क्या कर लेते हैं, संचित कर देते हैं, और उसी स्टार्च को हम लोग अपने फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसी के रूप में हम लोग क्या करते हैं, फूड का इस्तेमाल करते हैं। अब मित्रों आगे देखने की कोशिश करते हैं हम कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में और क्या क्या चीजें है। प्रकाश संश्लेषण अब यहां पे एक प्रश्न ये उठता है मित्रों कि आप लोग जानते हैं कि सनलाइट जो होता है, सनलाइट ये सात रंगों का मिश्रण है। सनलाइट कितने रंगों का मिश्रण है, तो सनलाइट सात रंगों का मिश्रण है। इस बात को हम समझते हैं कि सनलाइट कितने रंगों का मिश्रण है, सात रंगों का, और इसको याद करने का क्या ट्रिक है कि वाइव ग्योर क्या है, वाइव ग्योर, तो ये जो वाइव ग्योर है ना, वाइव ग्योर ब्लू इंडिगो बेंटिस ग्रीन और येलो ऑरेंज और रेड, तो इसमें सबसे जो ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो किसके अंदर होती है, रेड के अंदर। सबसे ज्यादा किसके अंदर होगा, सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है लाल रंग के साथ, लाल रंग के साथ सबसे ज्यादा, और सबसे कम किसके साथ होता है, तो हरा रंग के साथ। इसका जो कारण यह है कि ये हरे रंग को जो है ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देता है, इसका अवशोषण नहीं कर पाता, इसके कारण इसमें जो है कम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये प्रश्न यहां से ये भी पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश में केवल दृश्य प्रकाश में ही होता है, अवरक्त में तो बिल्कुल नहीं होगा, सूर्य के प्रकाश जो होते हैं, जो दृश्य प्रकाश है जिसमें हम लोग देख पा सकते हैं, उसमें केवल लाल और हरे रंग को अगर देखें तो ये दो रंगों को आप याद रखेंगे, लाल रंग में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जबकि हरे रंग में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये हो गया। आगे एक प्रश्न पूछा गया था प्रकाश संश्लेषण में कि पौधे के खाना बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका जवाब है मित्रों प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधे की खाना बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, अगली वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट के देखने की कोशिश करेंगे, और
आप लोग अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।